हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बीमारियों से दूर रहना तो इस वीडियो के साथ थोड़ा चिपक कर बैठें, क्योंकि आज मैं आपको हमारे किचन में मौजूद एक छोटी सी चीज के फायदे बताऊंगा। ऐसे फायदे जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि हमें काश ये फायदे पहले पता होते। दोस्तों, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, तो आप अपने 10 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज निकाल लें। आपके निकाले हुए 10 मिनट आपके ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं और आपके परिवार को खुशहाली दे सकते हैं, और परिवार की खुशी के सामने आपके 10 मिनट कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो घर के किचन में है और हमारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। दोस्तों, वो चीज है लौंग। लौंग जो बहुत देखने में छोटी सी है, लेकिन एक छोटी सी लौंग किस तरह से बीमारियां खत्म करती है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। आपने देखा होगा, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो कभी कभार आपको लौंग का प्रसाद दिया जाता है। क्या उस समय आपने ये सोचा कि लौंग में ऐसा क्या है जो इसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है? आपने देखा होगा, पुराने जमाने में लौंग से बच्चों की नजर उतारी जाती थी। लौंग में धागा बांधकर लौंग को बच्चे के गले में भी डाला जाता था। आपने क्या कभी सोचा ऐसा क्यों? दरअसल लौंग एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होती है। ये हमारे शरीर को वायरसेस बैक्टीरिया से बचाकर रखती है। यही कारण है कि छोटे बच्चों के गले में लौंग डाली जाती थी, छोटे बच्चों की लौंग से नजर उतारी जाती थी, ताकि छोटे बच्चे बीमारियों से बचे रहें। मंदिर में, पूजा में लौंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लौंग में ढेर सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। अगर आप लौंग को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप ढेरों बीमारियों को अपने घर से चुटकियों में गायब कर सकते हैं। ऐसी बीमारियां जिसके लिए आप अपने हजारों लाखों रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, वो बीमारियां आपके घर में टिकेंगी ही नहीं अगर आप लौंग को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में लौंग को बहुत बड़ी औषधि माना गया है। लौंग को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए जानते हैं। आपको रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले एक लौंग को अच्छे से चबाकर खाना है। बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो हर बीमारी आपके घर से गायब हो जाएगी। अब आप कहेंगे, लौंग में ऐसा क्या है या किस तरह से ये लौंग हमें फायदा कर सकती है? दरअसल दोस्तों, रात के समय में अगर आप कोई भी चीज खाते या पीते हैं, उसका असर हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर हमारे खाए हुए खाने को अच्छे से पचाने का काम करता है। और वैसे भी रात को आप जो भी सोच कर सोते हैं, वैसे ही सपने आपको आते हैं। उसी तरह से ही रात को जो भी खाकर आप सोते हैं, वैसा ही आपका शरीर बनता है। तो इसलिए रात को सोने से पहले जब आप लौंग खाएंगे, तो लौंग के अंदर के ढेर सारे विटामिन्स मिनरल्स आपके शरीर को एक्टिवनेस और आपके शरीर की बीमारियों को दूर करने का काम करेंगे। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो लौंग के सेवन से ठीक हो सकती हैं। सबसे पहली बीमारी है आपके बालों का झड़ना। अब अगर आपके बाल झड़ते हैं तो किसी तरह का शैम्पू, सीरम, कंडीशनर ऐसी कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक लौंग खाने की, क्योंकि हम लोग बालों के झड़ने का कारण ही नहीं जानते। हमें लगता है कि बालों के अंदर अगर किसी तरह का शैम्पू सीरम लगाएंगे तो बालों का झड़ना रुक जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से किसी पौधे की जड़ है, उसी तरह से बालों की भी जड़ है। अब बालों की जड़ों में अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बाल कैसे ग्रो करेंगे? और ये न्यूट्रिशन कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, ये न्यूट्रिशन मिलता है आपके खून से, आपके ब्लड से। इसके लिए जरूरी है आपके शरीर में खून की मात्रा पूरी हो, और आपके शरीर में खून का जो सर्कुलेशन, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, वो प्रॉपर हो। अब शरीर में खून की कमी ना हो, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आयरन, और शरीर के अंदर खून अच्छे से सर्कुलेट हो, इसके लिए जरूरी है पोटाशियम। और लौंग के अंदर ये दोनों चीजें हैं। लौंग में आयरन और पोटाशियम दोनों भरपूर मात्रा में हैं। जब आप रात को लौंग खाते हैं तो इससे आपको ढेर सारा आयरन मिलता है, जो आपके शरीर में नया खून बनाता है, और लौंग के अंदर का पोटाशियम उस खून को शरीर में अच्छे से सर्कुलेट करता है, जिससे कि आपके बालों की रूट्स यानी कि जड़ों को पोषण मिल पाता है। और बालों की जड़ों को मिला हुआ यही पोषण आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को लंबा करता है, हेयर फॉल को रोकता है, बालों को इवन काला भी करता है। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इन शैम्पू सिरम को लगाना छोड़िए और लौंग खाना शुरू कीजिए। लौंग खाने से नींद भी बहुत अच्छी आती है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होता। क्या आपको पता है, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, पहला कोर्टिसोल और दूसरा एड्रेनालिन। ये दोनों हॉर्मोन्स रिलीज होने से हमारा शरीर एक अलग तरह से बिहेव करता है। यानी कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो उससे आपके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। पहला बदलाव है आपके खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो लोग ज्यादा चिंता स्ट्रेस करते हैं उनको अक्सर ही डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो हॉर्मोन्स हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ाते हैं, और लगातार स्ट्रेस लेते रहने से डायबिटीज होना लाजमी है। स्ट्रेस हॉर्मोन्स के रिलीज होने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्लो हो जाता है। इसी कारण से ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले लोग अक्सर ही बीमार पड़ते हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेने से
हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और यही कारण है इंसान हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस लेना छोड़ना होगा। अब आप कहेंगे कि हम स्ट्रेस लेना छोड़ भी दें लेकिन स्ट्रेस अपने आप ही हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा दोस्तों, जब हमें स्ट्रेस लेने की आदत हो जाती है तो ये आदत अपने आप ही हमारे शरीर में स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज करती है। इसीलिए जरूरी है कि आप कुछ ऐसा खाएं जिससे कि आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा ना हो, और अगर पैदा हो चुके हैं तो वो कम हो जाएं, जिसमें कि लौंग आपकी मदद करती है। लौंग कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन को कम करने में मदद करती है और हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में ज्यादा मदद करती है। जो लोग लौंग का सेवन रात को सोने से पहले करते हैं उनका स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है और उनका मन खुश रहता है। एक लौंग आपके दांतों के दर्द के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। अब अगर आपके दांतों में दर्द है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि चलिए डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना दांत चेक करवाते हैं। डॉक्टर कहेगा कि दांत को डेड करवा लीजिए, दांत को निकलवा लीजिए। क्या यह सही सलूशन है? बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको ये समझना है कि दांतों में दर्द होता क्यों है। दांतों की प्रॉब्लम्स के पीछे का सबसे बड़ा कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी। अब अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो भाग कर अपने लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स मत लाइए। कैल्शियम की कमी को दूर करने का इलाज सिर्फ 2 रुपए में है और वो है चूना। चौंकिए मत, वही चूना जो आप पान में लगाकर खाते हैं। कुछ लोग तो पान ही नहीं खाते, उन्हें लगता है पान खाना गलत चीज है। दोस्तों वो पान गलत है जिसमें तंबाकू या फिर कत्था होता है। तंबाकू और कत्थे के बिना अगर आप पान का सेवन करते हैं तो वो शरीर के लिए अच्छा है। पान पत्ता तो धर्मों में भी इस्तेमाल होता है। पान पत्ता तो सोमवार के व्रत में भी इस्तेमाल होता है। अगर पान पत्ता बुरा होता तो इसे धर्मों में क्यों शामिल किया जाता? हाँ, गलत है तो तंबाकू कत्था, लेकिन अगर आप पान और चूना ये हर रोज खाते हैं तो ये आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं। चूना असल में कैल्शियम ही है। थोड़ा सा चूना, 1 ग्राम चूना अगर हर रोज खाया जाए तो दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाती है। अगर फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा तो सबसे बढ़िया है लौंग। लौंग को अपने दांतों के बीच में अगर आप दबाकर सो जाते हैं तो आपके दांतों का दर्द कैसा भी हो कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। दरअसल जैसे ही आप अपने दांतों के बीच में लौंग को दबाते हैं तो लौंग के अंदर का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे इयोजिनॉल कहते हैं, वो एक एनेस्थेटिक का काम करता है, यानी कि नेचुरल एक पेन किलर का काम करता है। इसीलिए लौंग से आपके दांतों का दर्द खत्म हो जाता है। अब अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं यानी वेट लूज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये लौंग बहुत अच्छी है। लौंग हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करती है। दोस्तों हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जिससे ये डिफाइन होता है कि हमारा शरीर खाने को कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है कि उनका वजन बढ़ता ही रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पानी पीते हैं वो भी शरीर को लग जाता है। दरअसल वो लोग सही कहते हैं लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो पानी नहीं ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी आपके शरीर को लगेगा ही। ठंडा पानी हमारे पेट को खराब करता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है जिससे कि इंसान का वजन बढ़ने लगता है। अब अगर आपको वजन कम करना है तो सही खान पान करें। खाने के साथ में पानी ना पिएं, खाने के 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद पानी पिएं। पानी पिएं तो या ताज़ा पिएं या फिर आप गुनगुना पिएं। ठंडा पानी पीने से वजन बढ़ता है। अब अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो रात को सोने से पहले 1 लौंग हर रोज खाएं। 2 से 3 महीने में 15 से 20 किलो तक वजन सिर्फ लौंग के जरिए ही कम किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर आपको ये चीज नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर ने अगर आपको यही कह दिया कि लौंग से वजन कम हो जाएगा तो ये जो इतनी कंपनियां जो इतनी दवाइयां बना रही हैं वो बिकनी बंद हो जाएंगी। मैं बस ये चाहता हूं कि आप आयुर्वेदिक तरीके से बीमारियों का इलाज करें, क्योंकि आयुर्वेद में ये ढेरों चीजें जो घर की किचन में है उसके जरिए ही इलाज बताया जाता है। या ये कह लीजिए जो हमारे घर की किचन है वो आयुर्वेदिक तरीके से ही बनी हुई है। आयुर्वेद में जो चीजें औषधियां हैं वो सारी औषधियां हमारे घर की किचन में हैं, लेकिन उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। प्याज को कच्चा खाना चाहिए तो हम उसका तड़का लगाते हैं, टमाटर को कच्चा खाना चाहिए तो हम उसका तड़का लगाते हैं, हमें हल्दी दूध में उबाल कर पीनी चाहिए लेकिन हल्दी का भी तड़का लगाकर खाते हैं। कहने का मतलब है अगर इंसान आयुर्वेद को समझ जाए तो कभी कोई बीमारी होती नहीं है, लेकिन हमसे ये सारी चीजें छुपाई जाती हैं ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना बिजनेस कर सकें। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारा आज का मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है और दूसरी ओर आज के मेडिकल साइंस में डायबिटीज का परमानेंट इलाज नहीं है। तो आप ही सोचिए कि क्या आज के मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए या आयुर्वेदिक तरीके से, क्योंकि आयुर्वेद की एक छोटी सी औषधि कई बीमारियां ठीक कर सकती है। जैसे मैंने आपको लौंग के बारे में बताया, 1 लौंग देखा कितनी बीमारियां ठीक करती है। आप मुझे बताइए कि आज की मेडिकल साइंस में कोई एक दवाई है, अगर आप उस दवाई को लें तो आपका सिर दर्द भी ठीक हो, आपकी डायबिटीज भी ठीक हो, आपका कैंसर भी ठीक हो? जाहिर है नहीं है। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो 100 तरह की दवाई खानी पड़ती है, लेकिन कैंसर के लिए आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी दवा है और वो है हल्दी। हल्दी के अंदर का कर्क्यूमिन कैंसर को ठीक करता है।
हल्दी के ऊपर अमेरिका ने ढेर सारे पेटेंट्स ले रखे हैं कैंसर के ऊपर, लेकिन उसी हल्दी का इस्तेमाल हम लोग हर रोज करते हैं। अगर आप हल्दी का सही तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि थोड़ी सी हल्दी या तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में डालकर पिएं या हल्दी दूध हर रोज पिएं, तो हर तरह की बीमारी ठीक होती है। तो देखा दोस्तों किस तरह से आयुर्वेद की छोटी सी औषधि लौंग के जरिए हम लोग ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। एक और छोटी सी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, जो आप खाना हर रोज खाते हैं उसमें से 50% चीजें आप ऐसी खाएं जिन्हें बिल्कुल भी पकाया ना गया हो, जैसे कि आप कच्ची सब्जियां, फल, स्प्राउट, सैलेड्स, इन चीजों को खा सकते हैं जो कि आपको ताकत देंगी। यानी कि सारा दिन बिस्किट भुजिया खाते रहें और सोचें कि हम हेल्दी क्यों नहीं हैं। दोस्तों स्वस्थ रहना आसान है, बस जरूरी है समझना कि स्वस्थ कैसे रहें। आयुर्वेद कहता है हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है, बस आपको ये समझना है कि कैसे बने डॉक्टर। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन अप हो और हम आपके लिए ऐसे एपिसोड्स लाते रहें। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है उसे दबा दें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से विजिट करें और इसके अंदर की सारी वीडियोस देखें, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।